नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के टॉप न्यूज़ के बारे में। जो टॉप न्यूज़ है अभी हमारा मार्केट से रिलेटेड, उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, माइंड स्पेस रीट आईपीओ, उसके बारे में। रीट आईपीओ होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो माइंड स्पेस का जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक कंपनी है, उसकी आईपीओ आ रही है। ये भी आईपीओ काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इन्वेस्टर को, मतलब ये भी माला माल कर सकता है अपने इन्वेस्टर को। तो देखना है, कल इसका आईपीओ का स्टार्टिंग है, तो कल हम आपको बताएंगे भी कैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजल ब्रोकिंग से कैसे कर सकते हैं, जीरोधा से कैसे कर सकते हैं। तो कल हमारा ये वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये हमारा जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कंपनी है माइंड स्पेस बिजनेस, इसके जो आईपीओ है वो कुल है 4500 करोड़ का, जिसका प्राइस रेंज होगा 274 रुपया 275। मतलब दो ऑप्शन है, मतलब आप 274 चूज कर सकते हैं या 275 पे बिड कर सकते हैं। तो बिड का प्राइस जो है, दो प्राइस रखा गया है, दो में से जिस प्राइस पर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर बात करें तो इसमें जो है 1000 करोड़ जाएगा कंपनी के पास, और जो 3500 है वो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है अब इसके प्रमोटर्स के द्वारा। तो प्रमोटर्स के पास मतलब ऑलरेडी जिसका स्टेक है वो यहाँ पर सेल करें अपना स्टेक का कुछ पार्ट, तो इतना चला जाएगा और उनके पास 3500 करोड़, और 1000 रह जाएगा कंपनी के पास, जो कि वो अपना बिजनेस को बिल्डअप करने में, अपने बैलेंस शीट को बिल्डअप करने में यूज करेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो बिड कैन बी मेड फॉर 200 यूनिट्स मिनिमम। तो मिनिमम जो है 200 यूनिट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक लॉट जो होगा 200 शेयर का होगा, मतलब 200 शेयर उसमें होंगे, तो आप या तो 200 के लिए करें या 400, मतलब इसी मल्टीपल में आपको करना पड़ेगा 200 का यूनिट। तो उसके लिए जो प्राइस होगा 55,000 यहाँ पर, इतना तो ज़्यादा किसी भी आईपीओ में नहीं होता है। तो देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या ये कम होता है या नहीं होता है। तो जैसे आता है आईपीओ तो वहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या आप जो आईपीओ अप्लाई करेंगे तो क्या 55,000 आपके पास होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कम क्वांटिटी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो लॉट साइज जैसे अप्लाई होगा तो वहां पर दिखाया जाएगा, 200 ही लॉट साइज रहता है या 200 से कम होता है। उसके बाद और सारे जो इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज है कि बहुत सारा ये 58% जो है इस ये सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब ऑलरेडी ये आईपीओ आने से पहले, मतलब स्टार्ट होने से पहले 58% जो है इसका बिक्री हो चुका है, ये सेल हो चुका है 58%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर ने काफ़ी कुछ स्टेक्स अपना लिया है, साथ साथ और जो अलग अलग इन्वेस्टर है उन्होंने किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रेस्ड 1518 करोड़ का जो है पहले से सेल हो चुका है एंकर इन्वेस्टर के द्वारा। और जो डिफरेंट यहाँ पर हुए देखते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड, स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, ICICI, तो यहाँ पर सारे बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं 58.74% ऑफ टोटल इश्यू साइज, इतना का जो टोटल इश्यू साइज जो है 4500 करोड़, उसमें से 58% जो है पहले से सेल हो चुका है, मतलब एंकर इन्वेस्टर, जिसमें से 1518 करोड़ का सेल हुआ। उसके बाद जो डिफरेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसमें स्टेक लिया, और कुल जो सेल हो चुका है वो 2643 करोड़ का सेल हो चुका है। और इधर जो बचा हुआ इसी में अब आपको और जो भी इंस्टीट्यूशन अप्लाई करेगा सबको करना है। चलते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है कल येस बैंक का एफपीओ जो लिस्ट होगा, जो कि सबसे बड़ा एफपीओ था एक तरह से, 15,000 करोड़ का एफपीओ था। और यहां पर स्टॉक देखिएगा 49% स्टॉक में गिरावट देखने मिला है 2 वीक में। और जो सर्किट है अब येस बैंक का, पहले 20% हुआ करता था, अब 10% कर दिया गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, निफ्टी 11,000 के लेवल को पार कर चुका है, ये अपने जो ऑल टाइम हाई है 12,000 के लेवल के काफ़ी करीब आ चुका है। अगर आप बात करें 1 ईयर में तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 12,400 के आसपास अपना हाई बनाया था ऑल टाइम, तो उसके काफ़ी करीब है, मतलब 1000 पॉइंट नीचे है अभी भी 1000 पॉइंट, लेकिन यहाँ नीचे से काफ़ी ये रिकवर कर चुका, नीचे से ये जो है काफ़ी रिकवर कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं 350 पॉइंट से भी ज़्यादा का रिकवरी हो चुका है, मात्र 1000 पॉइंट अब रिकवरी बचा हुआ है।
तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी है, आगे भी तेज़ी बना रहेगा या नहीं इसको देखना है। उसके बाद सेंसेक्स भी काफ़ी रिकवर कर चुका है, सेंसेक्स अभी हमारा है 38,128 और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 42,000 था। तो 42,000 यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 41,952 दिख रहा है, एक्चुअल में ये 42,000 था, तो 42,000 उससे मात्र 4,000 पॉइंट नीचे है। तो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी भी रिकवर कर चुका और सेंसेक्स भी रिकवर कर चुका, तो मार्केट में आगे तेज़ी बना रहेगा या नहीं ये बहुत सारे सिचुएशन पर निर्भर करता है। हमारा कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, डाउ जोन्स अगर गिरता है, अगर डाउ जोन्स में 2% 5% की गिरावट होती है तो निश्चित है कि निफ्टी और सेंसेक्स में भी काफ़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। और जो यूएस चाइना का टेंशन है काफ़ी बढ़ रहा है, जो यूएस चाइना के बीच टेंशन है अभी काफ़ी देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है, तो और साथ साथ नवंबर महीने में यूएस में चुनाव है उसको लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दिखाना चाहते जनता को मैंने चाइना के अगेंस्ट ये किया वो किया, तो ये बहुत सारे सिनेरियो है जिस पे मार्केट डिपेंड करता है। और जो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि जो रुपया है स्ट्रांग हुआ है, देखते हैं रुपया कभी 77 रुपीज़ पर जा चुका था, अभी स्ट्रांग हुआ है रुपया काफ़ी ज़्यादा, और जो रुपया का वैल्यू है अब $1 के मुकाबले 74.72 है, तो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है रुपया। उसके बाद यहाँ पर एस डी शिवलाल फैमिली जो है सेल किया है 85,00,000 इन्फोसिस शेयर टूडेज 777 करोड़, मतलब फंड रेज करने के लिए 75,00,000 शेयर इन्फोसिस का सेल किया गया है, जो कि कुल इन्फोसिस के शेयर का कितना है 0.20% स्टेक। तो छोटा सा पार्ट जो है प्रॉफिट का बुक किया है, जिससे इन्वेस्टर में काफ़ी ज़्यादा मतलब निगेटिव न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि इन्फोसिस का प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं जिसके कारण इन्फोसिस में काफ़ी गिरावट हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कई सारे सेल हो चुके हैं, HDFC AMC में आपने देखा, एयरटेल में हो चुका है, तो बहुत सारे कंपनियों में ऑफर फॉर सेल हो चुका है। तो ये तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, कुछ पार्ट्स बुक किए हैं क्योंकि अभी इन्फोसिस शेयर ऑल टाइम हाई पे है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 0.20% स्टेक। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्रमोटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, 13-15% के आसपास स्टेक है, तो उसका मात्र 0.20% स्टेक, जिससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एयरटेल में भी ऑफर फॉर सेल हुआ था 558 रुपीज़, तो 2.75% स्टेक यहाँ पर सेल करने की बात किया गया था, तो उससे एयरटेल में क्या हुआ, कोई खास गिरावट नहीं हुई, अभी भी स्टॉक इस प्राइस पे है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सारे थे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।